अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त दिलावर खान। सो गाइस, मैं और मेरी वाइफ उमरा के लिए रवाना हो रहे हैं। देख सकते हैं ऑलरेडी चेक इन हो चुका है 48A। गाइस, एवरीथिंग इज डन, सो ऑल चेकिंग, इमिग्रेशन, और हमने यहाँ पे नमाज भी पढ़ा है। सना, शी इज़ वेरी एक्साइटेड, अल्हम्दुलिल्लाह। सो लेट्स सी। सो गाइस, दिस इज सऊदी एयरलाइंस, ऑलरेडी हम आ चुके हैं। आईडी कार्ड नहीं उतार रही है, इसे बहुत अच्छा लग रहा है आईडी कार्ड का। और ये मैं, सो वी आर द फर्स्ट टू गो। اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك। सो नाज़रीन, हम लोग ऑलरेडी बैठ चुके हैं सीट पे, दोनों की बाजू सीट। 24 आवर्स बिफोर मैंने चेक इन कर लिया था। नियत करते हैं हम, इस नियत से करेंगे इंशाल्लाह, दुआ पड़ेगी नियत की। नहीं, अभी कर लेंगे। ओके बाय, सी यू लेटर, कैच यू लेटर, बाय बाय। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك। So guys, we are reach Jeddah Airport. From here Jeddah to Makkah it takes 45 minutes via bus. Okay. अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग आ चुके हैं Jeddah Airport. तो ये हमारी बस पीछे जो है। दूध, कॉर्नफ्लेक्स, भुर्जी, मश की दाल, ब्रेड, हेयर बटर, और ये है टोस्ट, ये है बटर, और ये है वन ऑफ द फेवरेट किश्ता, जैम, हनी। यू कैन सी माशाल्लाह, दिस इज आवर सिटिंग अरेंजमेंट ओवर हियर। सो देयर इज टू हियर, वन इज हियर, दिस वन इज बिलोंग्स टू इंडिया, अदर साइड इज पाकिस्तान। सो अस्सलामु अलैकुम, अब हम निकल रहे हैं। अभी हमारे पीछे होटल है अल रुशाद होटल, और अभी यहाँ से उमरा करने हम लोग जा रहे हैं। बस अल्लाह आसानी करे। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, यूं वो शुखिरत मफलूज हुए, दिल जो के तमाशा भूल गया, पहुंचा जो हरम की चौखट पर, एक अब्र करम ने घेर लिया, बाकी ना रहा फिर होश मुझे।
उस काबे पे जाएगी, उस काबे पे जाएगी, दिल झूम सजाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा हो चुका है माशाल्लाह, और अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ। ये हम जो निकले पीछे बाबू सलाम के गेट है, वहाँ से निकले हैं। मैं सना अलकान पूरे हुए, बहुत सभी के लिए हमने दुआ किया, जिसने हमें दुआ का कहा उन्हें याद करके, सभी के लिए, पूरे खानदान के लिए, दोस्तों के लिए। ये पीछे हैं, बस हम अब जा रहे हैं खाने के लिए, फिर थोड़ा आराम करेंगे इंशाल्लाह, फिर शाम में वापस से हम इधर आएंगे। वो काबा जो हमारे सजदों का मरकज़ है, वो काबा। हाँ, उम्रा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम लोग वापस जा रहे हैं हरम में, और अभी हम डिनर के लिए आए हैं। मेरे साथ सना, सना क्या कहोगे? कुछ नहीं, तो गाइस मैं आपको बता दूँ वो डिनर क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे अल हुमैरा टूर्स एंड ट्रैवल्स का अरेंजमेंट है माशाल्लाह। पीछे जो है ये भाई है पाकिस्तानी, इन्होंने सब किया। फ्रूट्स, सूप, दमसम सैलेड, भाजी, बनाना, ये चिकन चिल्ली ड्राई विथ सम सैलेड, पीच, फ्राइड राइस एंड सम अचार। दीज आर द प्लेट्स। ये है हमारी बिल्डिंग, ये है हमारी होटल। ना आते ही ना फिर दुनिया हसना फिला किरती हसना वकीन अज़ाब अन्नार। इधर देखो, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना तो फिला किरती हसना तो वकीन अज़ाब अन्नार। अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ कर रहे हम लोग, आज निकले थे घर से तवाफ के लिए। ये आखिरी चक्कर है, सातवां चक्कर है हमारा, लेकिन हम फर्स्ट फ्लोर से कर रहे हैं। ये इधर फर्स्ट फ्लोर से कर रहे हैं, तो बहुत ही मतलब लंबा गिरा है, क्योंकि एहराम की हालत में ही नीचे से अलाउ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आवाज़ सुन रहे हो गया आप, अल्लाह की रहमत। देखो ये कहीं इसने तवाफ करी है लंबा वाला, पर हालत ख़राब हो चुकी है। आसमान पूरे बादल काले छाए है, अबाउट 44 डिग्री यहाँ पे अभी सेल्सियस है, इतना गर्म है, लेकिन बोलते हैं ना, देख सकते हैं मेरे आंखों पे ये रहमत हो रही है अल्लाह की बारिश। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आवाज़ सुन रहे हो, क्या बोलोगे? भाई लाइटिंग देख रहे? अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो रही है, पीछे लाइटिंग हमारे ये सब देख। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं बारिश हो रही है हरम में, और
बोलते ना अल्लाह की रहमत नसीब वालों को मिलती है, तो ये देखिए ये पीछे लाइटिंग हो रही है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुना है कि अल्लाह की रहमत नसीब वालों को मिलती है, अल्लाह हमारा नसीब अच्छा करे। आवाज़ भी सुन सकते हो बैकग्राउंड में, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, हमें जो रहमतें मिली हैं हमें बहुत सुकून मिल रहा है माशाल्लाह। हरम में हरम की एतराफ देख सकते हैं, ये लाइटिंग अभी भी हो रही है। और मेरे साथ सना है, काफ़ी तो हम देखे थे तो अल्लाह का सब कुछ याद आ चुका हमें हर चीज़ से। हर यहाँ के लोग भी काफ़ी डर गए थे, एक तूफान ही कहे कि हम बहुत ज़बरदस्त तूफान था। मैंने अगर शूट किया है हर चीज़ को देख सकते हैं, सब चीज़ें उड़ी थी, सब चीज़ें तितर बितर हो गई थी। अगेन अल्हम्दुलिल्लाह अजान के जैसी अजान हुई सब कुछ रुक चुका था, थम चुका था, सब हो गया था। ये अल्लाह की कुदरत हमने देखा यहाँ पे। और हरम के सामने कावा ये हमें मिला है, तो मैं बताता हूँ जो हमारे पीछे है, इन्होंने हमें दिया ये कावा, ये जो बैठे हैं, खजूर और कावा मिला यहाँ पे। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आए मस्जिद आयशा सना जान बह कर रही है। अभी हम लोग ने नमाज़ पढ़े यहाँ पे, और ये हरम से हुदूद से थोड़ा दूर है, तो इसीलिए हम यहाँ पे आते हैं मस्जिद आयशा से। अब हम जा रहे हैं वापस हरम। पीछे मेरे मस्जिद आयशा है, आप देख सकते हैं। तमाम बच्चों को कामयाबी अता फरमा। या रहमान या रहीम।
हमने जो कुछ दुआ मांगा है कबूल अता फरमा, जो मांगने से मिल गए कबूल अता फरमा। अल्लाह मेरे पीर की उम्र में बरकत अता फरमा, उनकी बीमारी को शिफा अता फरमा, हसन मियाँ की बीमारी को शिफा अता फरमा। या रहमान रहीम। سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله ربنا اعطينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. देख सकते हैं जो पिंक कलर का ये जो पिलर है, यहीं से बुर्राक उड़ा था, मेराज पे जो सफ़र था वहाँ पे से गया था। लेकिन इधर यहाँ पे दीवार हो गई है, लग गई है, जा नहीं सकते। ये इसका मैं वो दिखा दूँ आपको, ये जो है मिजाब रहमत, इससे आप सीधा आएंगे तो आपको ये सामने की ओर पे आपको ये पिलर मिलेगा। ये पिलर है और वो एक ग्रे पिलर है, और बाकी सब पिलर आपको सेम दिखेंगे। अभी आज हमारा हुआ है, कितना उम्र हो गया हमारे, दो उम्र हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम बैठे कुछ सफ़ा मरवा, ये मरवा मरवा की चोटी है, ये पहाड़ जो देख सकते हैं, ये होने के बाद हम यहाँ पे बैठे हैं। मरवा सफ़र से चालू होता है, मरवा पे एंड होता है, तो सात चक्कर होते हैं माशाल्लाह ये, और अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। इसके बाद में हलक, यानी हम तो बाल काटेंगे और बस तवाफ उमरा बन के ख़त्म हो जाता है। यही है सना, क्या कहोगे आप? काबे के ऊपर से जाते नहीं है, किसको अदब ये सिखाते नहीं है, कितनी मुआदद है ये कबूतर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त दिलावर खान। सो नाजरीन, आज हम जा रहे हैं मक्का की ज्यारत के लिए, और हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है अर्ली मॉर्निंग, हमें 7:30 का टाइम दिया था, तो 7 o'clock हम उठे और अल्हम्दुलिल्लाह गुसल लिए, और अभी नाश्ता तो हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, अब निकलेंगे ज़ियारत के लिए। नीचे बस वेटिंग है, देख सकते हैं पीछे, तो अभी देखते हैं ज़ियारत में हमें क्या क्या ज़ियारत कराएंगे। शायद से मस्जिद जिन, गारे हीरा, गारे सूर और भी है बहुत सारे, और वहाँ से फिर हम जोराना जाएंगे, जोराना से फिर अहराम बांध के हम नियत से उमरा किए, और फिर हम हरम आएंगे, उसके बाद यहाँ पे उमरा करेंगे। तो कैच यू लेटर। सो अब हम निकल रहे हैं मक्के की ज़ियारत के लिए, मैं और सना और हमारा ग्रुप जो कि है अल हुमैरा टूर्स एंड ट्रैवल, विच इज़ सिचुएटेड इन मीरा रोड, त्रिवेदी प्लाजा, हैदरी चौक। सो गाइज, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है इनका, मैं प्रीफर करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह खाने से लेकर हर चीज़, होटल नियर बाय आपको मिल जाता है मक्का, वॉकिंग डिस्टेंस अराउंड 300 meters, आपको हरम में पहुंच जाते हैं 300 meters में। आज के रोज हम सब लोग देखेंगे जबले सोर का। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बताइए ना, अभी ये हम आ चुके हैं, मेरे पीछे है सूर, आप देख सकते हैं जबले सूर मेरे पीछे है, और पहाड़ पर मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है? मेरे हाथ की तरफ आप देखेंगे, ये है जबले सूर पहाड़। कौन सा पहाड़ है? जबल अरबी में पहाड़ को कहते हैं और सूर बैल को कहते हैं, क्योंकि इस पहाड़ का जो नक्शा है वो बैलनुमा है। हजरात, इस पहाड़ को फजीलत क्यों हासिल है? यहाँ पर सरकारें जो आदम मुबारक कब लगे हैं, जब प्यारे आपने
यही जबल सौर, यही जो पहाड़े जहाँ पे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर को अपने कंधे पर बिठा कर ऊपर लेके गए, क्योंकि हुजूर की उंगली जख्मी हो चुकी थी, और यहीं पे अबू बकर सिद्दीक को सांप ने डसा था, जो सांप हुजूर का दीदार के लिए आ रहे थे। और यहीं पे मकड़ी का किस्सा भी है, मकड़ी ने जाला बनाया था। तो हम आ चुके हैं अरफात के मैदान में, ये है अरफात पीछे है, और मेरे जो पीछे ये पहाड़ दिख रहा है आपको, ये है जबले रहमत, इसे जबले नूर भी कहा जाता है। ये पहाड़ पे दुआएं कबूल होती है, और यहाँ पे जो अरफात के मैदान में जो नौजिल हज्जा को वक्फ करता है, जो रुकता है, तो उसे हाजी कहलाते हैं, वो हाजी होता है जो नौजिल हज्जा को यहाँ पे रहता है। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, बहुत सारे हैं सब ज्यारत के लिए आए हैं। यहाँ पे सबका इंतज़ाम है, WC हमाम का इंतज़ाम है, लेडीज़ जेंट्स हर जगह, कोई तकलीफ़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बस खाली धूप ज़्यादा है, और मैं आपको बताऊंगा ऊपर लेके जाके हर एक चीज़। ये पीछे मेरे जो पहाड़ है, ये है जबल रहमत, इसे जबल नूर भी कहा जाता है। ये अरफात के मैदान के पास ही है, पीछे देख सकते हैं अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि हमें बहुत कम समय दिया है, टाइम 20 मिनट्स है, 20 मिनट्स का ज़्यारत दिया है, बट लेट्स सी। रुको रुको रुको, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके हैं ऊपर जबले रहमत, जबले नूर। ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये है जबले रहमत, यहाँ पे दुआएं कबूल होती है, जो भी दुआ मांगे उसे कबूल अता फरमा, और जब मांगने से भूल गए हो उसे बड़ा अच्छा जानते हो, उसकी बारगाह में सबकी हाजिरी को कबूल अता फरमा। जिन्होंने मेरे लिए दुआ करने के लिए कहा है, उन सब की जायज़ दुआओं को कबूल अता फरमा, आमीन। ये जबल रहमत, यहीं पर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजाजुल विदा का खुतबा भी दिया था। और इस पहाड़ की खास बात यह है कि ये यहाँ पर हजरत सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हुआ पहली बार यहाँ पे इनकी मुलाकात हुई जन्नत से निकलने के बाद, और यहीं पर उनकी दुआ कबूल भी हुई, और इन्होंने यहाँ पर दुआ तौबा की दुआ की, और अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई, तो इसीलिए यहाँ पे दुआएं भी कबूल होती है। और इस जबल को, इस जबल रहमत को जबल तौबा भी कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी हो चुकी है यहाँ पे हम जबल रहमत, हमें इतनी खुशी हो रही है माशाल्लाह, हम इतने अच्छे मकाम पे आए हैं। अरे इसने तो बोली पहली बार बोली, ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे सभी के लिए दुआ करी है, सब उम्मत मुसलमान के लिए, और जिन्होंने मुझे खास दुआ के लिए कहा है, हम मैंने सबके नाम लिया है वहाँ पे, और वहाँ पे सबके नाम लिखा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी बस है जी, जिसे हम ज्यारत कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे, और ऐसा लगता है कि दुआएं कबूल होगी इंशाल्लाह, क्योंकि हम बहुत नज़दीक है। बस अल्लाह से दुआ है कि मैं अपने वालिदैन के साथ आऊँ, मेरे माँ बाप के साथ आऊँ यहाँ पे, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल अता फरमा, आमीन। अमन में इस वक्त आप देख रहे हैं नहरे जुबादा, ये देखेंगे ये जो आपको दीवार नजर आ रहे हैं, इसको नहरे जुबादा कहते हैं। सभी हजरात इसकी ज़ियारत करेंगे, पहाड़ के दामन में इस वक्त आप ज़ियारत कर रहे हैं नहरे जुबादा की। जुबैदा कौन थे? जुबैदा इराक के बादशाह खलीफा हारून रशीद की बीवी थी। जब वो यहाँ पर हाजियों की सहूलत के लिए इसको चलाया जाता है। अब आप हजरात सीधे हाथ में देखेंगे, राइट हैंड में ये रेड कलर की टोला आप देख रहे हैं, ये हाजियों के पैदल चलने के रास्ते हैं। यहाँ से हजाज कराम पैदल चल कर हज करते हैं। आप मीना में, अरफात में, मुजदलफा में कहीं भी इस तरह के रास्ते देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि ये हाजियों के पैदल चलने के रास्ते हैं। यहाँ से हजाज कराम पैदल, इस मस्जिद का जिक्र कहाँ पर मौजूद है? कुरान करीम में मौजूद है। सभी हजरात मस्जिद की ज़ियारत करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, फइज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम।
جب تم عرفات سے واپس پلٹو تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے عند المشعر الحرام مشعر الحرام کے پاس آ کر وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ اس طرح تم ذکر کرو جس طرح تم کو اللہ نے شیطان کو وارتے ہیں. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ نو ذوالحجہ کو جب حجاج کرام عرفات سے نکلتے ہیں تو کہاں پر آتے ہیں؟ یہاں پر مزدلفہ میں آتے ہیں. اس مزدلفہ کے میدان میں آتے ہیں, امیر غریب سب کے سب اللہ کے حضور یہاں پر جمع ہوتے ہیں, مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں یہاں پہ ملا کے ادا کرتے ہیں اور رات کا قیام کرتے ہیں اس کھلے آسمان کے نیچے, اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد یہاں سے کنکر جمع کر کے مینا میں شیطان کو مارتے ہیں. تو آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو شیطان بھی دکھاؤں گا. مزدلفہ ہی کا میدان ہے. جب حجاج کرام مینا میں بڑھ جاتے ہیں تو اس نیو مینا میں حجاج کرام کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. حضرات آپ کی اسی رائٹ ہینڈ میں وادی محسر ہے. پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس کو ہم زیارت کی نیت سے نہیں بلکہ عبرت کی نیت سے دیکھیں گے, کیونکہ وہاں پر عراقی فوج پر عذاب نازل ہوا. اس کے متعلق میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, وہ حصہ خالی ہے, وہاں پر خیمے نہیں بنائے گئے. حضرات وہ حصہ نہ مزدلفہ کا ہے نہ منا کا ہے, درمیانی حصہ ہے جہاں پر عبراق کی فوج پر عذاب نازل ہوا. عبراق کون تھا؟ یمن کا عیسائی بادشاہ تھا. اس نے یمن میں ایک چرچ بنا رکھا تھا. مسلمانوں سے کہا کہ تم بیت اللہ کا طواف کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہماری عبادت میں شامل ہے. کہنے لگا کہ بیت اللہ کے طواف کے بجائے میرے چرچ کا طواف کر لو, اتنا ثواب تمہیں بیت اللہ کا طواف کا ملے گا, اتنا ہی ثواب معاذ اللہ میرے چرچ کے طواف کا ملے گا. تو مسلمانوں نے کہا, اے لعین, یہ تیرا چرچ مسلمانوں کے پخانے کے لائق تو ہو سکتا ہے, عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا. اس بات پر اس لعین کو بڑا غصہ آیا, غضبناک ہو کر نکلا کہ میں کعبۃ اللہ کی دیواروں کو گرا دوں گا. جب وہ بے ایمان لعین یہاں پر پہنچا تو اللہ رب العالمین نے اس پر عذاب نازل کیا. اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر قرآن کریم کے تیسرے پارے سورۃ فیل میں کیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ دیکھیں گے عیسیٰ, یہ عیسیٰ خالی ہے. سبھی حضرات پڑھیں گے ایک مرتبہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں آپ سے عرض کر رہا تھا, وارسل علیہم طورا ابابیل. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا حال کیا؟ کیا حال ہوا؟ مختصر عرض کرتا ہوں, ہم نے ابابیل پرندوں کے ذریعے ان پر عذاب نازل کیا. ہر پرندے کو تین کنکر دیے جاتے, دو پنجوں میں لیتا, ایک چونگ میں لیتا. جب وہ اللہ کے حکم سے ہوا میں کنکر پھینکتا تو غرق ہونے والے فوجی کے سر پر لگتا اور اس کے جسم کو چیرتے ہوئے ہاتھی پر لگتا, ہاتھی بھی ہلاک ہو جاتا. ہاتھی کے اوپر جو فوجی سوار ہوتا وہ بھی ہلاک ہو جاتا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کعبے کی نماز کی خاطر اور نماز رسالت کی خاطر اللہ رب العالمین ہم سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ حضرات میرے ہاتھ کی سیدھ میں لیفٹ ہینڈ میں آپ دیکھیں گے, وہ سامنے پہاڑ کے اوپر وائٹ کلر کا ایک گنبد ہے اور اس کے اندر چھوٹا سا سوراخ ہے. جن کو نظر آ گیا ہو وہ ایک دوسرے کو بتا دیں تاکہ جلدی سے سبھی حضرات اس کی زیارت کر سکیں. میرے ہاتھ کی سیدھ میں آپ دیکھیں گے, وہ سامنے پہاڑ کے اوپر وائٹ کلر کا گنبد ہے. سب نے زیارت کر لی, سب نے دیکھ لی, بولتے نہیں. حضرات یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا, اے میرے بیٹے میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں, بتا تیری کیا رائے ہے؟ ادھر بولا, بیٹا آج شب میں نے ایک خواب دیکھا ہے, کتاب زندگی میں ایک نرالا باب دیکھا ہے. یہ فیضانی نظر تھا, یہ مکتب کی کرامت تھی, سکھا کس نے اسماعیل کو اداب فرزندی. قال یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. عرض کی, ابا جان اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ضرور بے ضرور صبر کرنے والوں میں, آپ مجھے ضرور بے ضرور صبر کرنے والوں میں پائیں گے. مختصر بات عرض کرتا ہوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار چھری چلا رہے ہیں مگر وہ ایک بال تک بھی کاٹنے کا نام نہیں لیتے.
आखिरकार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चूहे से मुखातिब होकर फरमाया, चूहे क्या वजह है इतने नाजे गले को भी नहीं काटती। चूहे जुबान हाल से पुकारी, ऐ इब्राहिम जरा ये तो बताए, जिस वक्त आपको आग में डाला गया था तो आग ने आपको क्यों न जलाया? आपने फरमाया, आग को अल्लाह का हुक्म था कि वो न जलाए। चूहे जुबान हाल से पुकारी, ऐ इब्राहिम आग को तो एक मरतबा हुक्म हुआ था कि वो न जलाए, लेकिन मुझे 70 मरतबा हुक्म मिल चुका है हल्कों में इस्माइल को मत काटना। उस वक्त अल्लाह की तरफ से आवाज आई, कद सद्दक तर्रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। इब्राहिम तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया, हम मुखलिसीन को ऐसा सिला देते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर देखा तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक मेंढा ला रहे हैं जो जन्नत में 40 या 80 हजार साल चरता रहा। जब वो छुरे के नीचे आया तो आपने उसे जिबहा कर दिया। इसी तरह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिबहा होने से भी बच गए, आपको जबीहुल्लाह का लकब भी मिल गया। हजरत आप इस वक्त मीना के अंदर मौजूद हैं, अगली ज़ियारत आप करने वाले हैं मस्जिद खाफ की। उससे पहले आप देखेंगे सामने कार्नल पे मीना का हॉस्पिटल है, उसको अरबी में मुस्तशफा तवारी कहते हैं, यानी इमरजेंसी हॉस्पिटल, और इसमें हजाज कराम की ट्रीटमेंट की जाती है हज के अयाम में। ये कार्नल पे आप देख रहे हैं हॉस्पिटल, और इस हॉस्पिटल के बैक में आप देखेंगे मस्जिद खैर। दुनिया में आपने बहुत सी मसाजें देखी होंगी, लेकिन इस तरह की आपने मस्जिद नहीं देखी होगी। ये ऐसी मस्जिद है जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सल्ला फी मस्जिदिल खैफ 70 नबिया। अल्लाह के 70 अंबिया अलैहिस्सलाम ने इसी मस्जिद खैफ के अंदर नमाज अदा की है, और खुद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी मस्जिद खैफ के अंदर नमाज अदा की है। एक रिवायत के मुताबिक 70 अंबिया अलैहिस्सलाम इसी मस्जिद खैफ के अंदर मदफून भी हैं, और ये मस्जिद भी पूरा साल बंद रहती है, हज के अयाम में इसको खोला जाता है। उसकी बैक में आप देख रहे हैं ग्रीन सैंड बोर्ड है, उनके पीछे आप देखेंगे 3 फ्लोर है, ऊपर रेड कलर की छतरी से बनी हुई है। इन 3 फ्लोरों के अंदर शैतान जमरात है जिनको हजाज कराम हज में कंकर मारते हैं। सभी देखेंगे 3 फ्लोर, ऊपर व्हाइट कलर की छतरी है। इन 3 फ्लोरों के अंदर शैतान जमरात है जिनको हजाज कराम हज में कंकर मारते हैं। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको शैतान जमरात को कंकर मारने की तौफीक अता फरमाए। अब आप हजरात राइट हैंड में देखेंगे, जल्दी से सीधे हाथ में देखेंगे मीना की खाना बस्ती। बहुत प्यारा मंजर है, जहाँ तक आपकी नजर जा रही है वहां तक आपको ये खेमे हुए खेमे दिखाई दे रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में आपने खेमे कहीं भी नहीं देखे होंगे। अगर आप इस वक्त देख रहे हैं तो मीना के अंदर देख रहे हैं। ये फेस्टिवल इवेंट है कि यहाँ पे लोग 5 दिन के लिए जमा होते हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग कहीं भी जमा नहीं होते जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग जमा होते हैं। ये जो खेमे आप देख रहे हैं ये कोई आम खेमे नहीं है, इनकी बहुत सारी खसूसियात हैं। चंद आपकी खिदमत में अधिकार की अपनी बात को समेटूंगा। 1997 में यहाँ पे आग लग गई थी, तो यहाँ की अखबार के मुताबिक 1200 हाजी जल के शहीद हो गए थे। तो यहाँ की हुकूमत ने मुल्क जर्मनी से इंजीनियर मंगवा कर ये खेमे बनवाए। ये खेमे वाटर प्रूफ भी है और फायर प्रूफ भी है। इनमें न तो आग लगती है और न ही बारिश का पानी आता है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इसी साल इन खेमों में क़याम करने की तौफीक अता फरमाए। आप नहीं कहते आज का इरादा नहीं रखते, जरा कहिए बुलंद आवाज़ से आमीन। हजरात अगर हम ज़ियारत करने वाले हैं मस्जिद जियाराना, लोग इसे कहते हैं जुराना। इसका सही जो नाम है वो जियाराना है, जीम के नीचे कसरा है, जोर है। इसका सही नाम मस्जिद जियाराना है। तो अब हम मस्जिद ये है जियाराना मस्जिद। यहाँ से मिकात, यहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। यहाँ से करना भी बहुत बड़ा सवाब है। जुराना
फरवरी को हम लोग पहुँच चुके हैं जुराना मस्जिद। यहाँ से हमने उम्रा की नियत की है और उम्रा का एहराम भी बांध लिया, नियत करेंगे। नमाज ऑलरेडी ये हमारे खाला कुरला के भाई आसिफ भाई है। बस यहाँ से अब हम निकलेंगे आरम के लिए, उम्रा की नियत करेंगे बस में बैठ के। यहाँ से हमें आना था जुराना मस्जिद से, अभी ऑलमोस्ट हम लोग आयशा मस्जिद से ही करेंगे। यहाँ से आना था जुराना मस्जिद, तो ये भी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम निकल रहे हैं हरम के लिए, उम्रा की नियत करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमारा उम्रा आसान हो, और बस दुआ है कि मैं अभी अपने वालिदैन माँ बाप के साथ यहाँ पे आऊँ। अल्लाह कबूल अदा फरमाए, अल्लाह कबूल अदा फरमाए। अभी हम जा रहे हैं कहाँ पे? तो कुरान करीम की पहली वही नाजिल हुई सूरत अलग की शक्ल में, सूरत अलग की पहली पांच आयतें नाजिल हुई। इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। यहाँ पर ये पांच आयतें नाजिल हुई। एक रिवायत के मुताबिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल नूर पहाड़ पर गारे हिरा में मौजूद थे, तो मेरी और आपकी माँ उम्मुल मोमिनीन अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मक्कतुल मुकर्रमा से पैदल चलकर आपके लिए खाना भी लेकर आया करती थी। तो इस पहाड़ की जो हाइट है वो 2000 फुट है, गार की लंबाई 15 फुट है, गार की चौड़ाई 10 फुट है और गार की सिमत कबला रख है। अगले हम ज़ियारत करेंगे थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह। कब्रिस्तान के अंदर 6000 जलील उल कदर सहाबा कराम की कब्र अनवर मौजूद हैं, और इसके अलावा ताबीन बहुत से औलिया व कामिलीन सालिहीन यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। और इसके दूसरे हिस्से में उम्मुल मोमिनीन अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र अनवर भी मौजूद है, और आपके इसी राइट हैंड में सीधे हाथ में मस्जिद जिन आ रही है, आप हजरात उसकी भी ज़ियारत करेंगे। मस्जिद जिन को मस्जिद जिन इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह के बाद यहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़े फजर पढ़ा रहे थे, तो गैर मुस्लिम जिन हवा में उड़ रहे थे, आपकी जुबान मुबारक से कुरान करीम की तिलावत सुनकर गैर मुस्लिम जिन नीचे आ गए, आपकी बारगाह में हाजिर होकर कलमा पढ़कर दार इस्लाम में दाखिल हो गए। अगली मस्जिद की ज़ियारत करेंगे, आपके इसी राइट हैंड में मस्जिद फतह है, कर्नल पर आप देखेंगे मस्जिद फतह। यहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह के बाद यहाँ पर फतह का झंडा लगाया, जो देखेंगे इसी के हाथ में। हम कर रहे सफा और मरवा की सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. अब मैं जा रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, मेरा भाई आया अकबर भाई, उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है, देखो दुआएं करे मेरा भाई सलामत रहे।
था मेरे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इधर ही जो बोलते ना बर्थ प्लेस है, यही था जिसको अभी मकतब बना दिए, लाइब्रेरी बना दिए इधर पे। हाँ। और उसके जो उधर दिख रहा है लॉकर, उधर दाई हलीमा का घर था। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, दाई हलीमा भाग के गई अंदर। हाँ। पूरी खिदमत करी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अच्छे से कपड़े में बांध के फिर लेके, यही मेरे आका का घर था। सुभान अल्लाह। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये है टॉयलेट। हाँ। इसके अंदर अबू जहल जो हुजूर के चाचा थे, इधर पे उनका इंतकाल हुआ था, लेकिन वो ईमान नहीं लाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लास्ट तक बोले कि अभी भी तेरी चंद सांसें बची है, तू ईमान ला, तेरी बख्शीश का जिम्मा मैं लेता हूँ, लेकिन नहीं लेके आए और कुफ्र की हालत में दुनिया से चले गए। तो इधर पे टॉयलेट उनकी जगह पे बना दी, क्योंकि बहुत आज हम लोग जा रहे हैं टाइप के सफर। मेरा भाई अकबर खान, हम लोग अभी निकल रहे हैं टाइप के सफर के लिए। नाजरीन, अब हम जा रहे हैं टाइप के सफर के लिए। मैं सना और मेरा भाई अकबर खान, हम लोग जा रहे हैं अभी टाइप के लिए। तो उसमें लगते हैं 8-9 घंटे का सफ़र है ये, तो उसमें पूरी ज़्यारत भी हो जाएगी टाइफ की इंशाल्लाह। और हम दिखाएंगे भी वहाँ पे हुजूर कहाँ पे रहे, कहाँ पे उनका गुजर हुआ, कैसा हुआ, कैसे लोगों ने सताया इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, ये है हज़रत अब्बास की मस्जिद जो ताइफ में पहली इस्लाम को कबूल किया था, जो एक बाग के मालिक के ग़ुलाम थे। तो उनका ये जो मैं जो उंगली दिखा रहा हूँ, ये उनका मज़ार शरीफ है, इनका मकबरा बोलते हैं, देख सकते हैं मकबरा दीवार। अब हम आए हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के, यहाँ पे मस्जिद है और मेरे पीछे मैं दिखाता हूँ, जो मेरे पीछे है ये उनका मकबरा है। यहाँ पे सब दुआ कर रहे हैं, 2 रकात नफिल पढ़ते हैं, ऐसा कुछ तो है नहीं, बट आप वजू से है तो, लेकिन आप नफिल नमाज पढ़ सकते हैं मस्जिद में, अल्लाह कबूल करने वाला है। और दुआ मांगिए यहाँ पे, ये सब मेरे सहाबा रसूल है, सब सहाबा इकराम है। और अकबर भाई, नहीं 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 बाद में देखे, खाना खाए अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे हाथ में खिलाफ काबा माशाल्लाह, ये हमें हदिया मिला है माशाल्लाह, खिलाफ काबा देखिए इसको नज़दीक से आ रहा, इंडिया आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये यहाँ कुछ चंद सहाबे कपड़े, सहाबे की कपड़े भी हैं और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का घर भी है। ये हजरत अली ने बनाए थे अपने हाथ से,
हजूर पाक आकर आराम किया था, दख्त के साय के नीचे बैठे थे, ये जगह थी, ये बैठ था यहाँ पर। पिक्चर भी अटेम करते थे आज हम इंसान है ये है मीकात करन मनाजिल अस कबीर, ये बहुत बड़ा है माशाल्लाह, देख सकते हो आप। यहाँ से हमने ताइफ का सफ़र किए थे, ताइफ से जब हम वापस आ रहे थे यहाँ से हमें कंपलसरी है सिर्फ हाजियों को, सो देख सकते हैं माशाल्लाह। तभी हमने उम्रे की नियत कर ली है, आगे सना और अकबर भाई है। यहाँ से सीधा हरम इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उम्रे की नियत कर लिए है, यहाँ से अभी हरम जाएंगे। आज उम्रा मैं अपनी बहन यास्मीन अमरीन खान के नाम पे करूँगा, सोनिया पा के नाम पे हो गया मेहर शेख, मेरी बहन यास्मीन के नाम पे उम्रा होगा इंशाल्लाह। ये देख सकते हैं बहुत। अस्सलाम वालेकुम, ये देखिए मेरे नीचे मिजाब रहमत के नीचे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा नमाज, मैंने नमाज पढ़ा है माशाल्लाह। ये देखिए बिल्कुल मेरे नीचे यहाँ पे दुआएं कबूल होती है अल्लाह, मैंने सबके लिए दुआ किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए नीचे बिल्कुल मिजाब रहमत माशाल्लाह, ये मिजाब रहमत माशाल्लाह। ये अल्लाह मेरी हर दुआ को कबूल होता है, जो कुछ मैंने मांगा है मिजाब रहमत मेरे सर के एकदम ऊपर है माशाल्लाह। अल्लाह मेरी अम्मी की बीमारी को शिफा अता फरमाए मिजाब रहमत के नीचे, बस ये अल्लाह या रब्बुल रहीमीन मेरी अम्मी की बीमारी को शिफा अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये है मस्जिद शजर जिसका कुरान पाक में जिक्र किया गया है, यही मस्जिद है वो देख सकते हैं मेरे पीछे। और ये जो सामने है, ये सामने जो मस्जिद है मस्जिद फतह इसका नाम है, देख सकते हैं। और इसी के यहीं पे ये मस्जिद शजर। वालेकुम, आज हम जा रहे हैं अलविदा तवाफ करने माशाल्लाह, ये हमारा अलविदा रहेगा, आज का आखिरी दिन है मक्का शरीफ में, क्या बोलोगे? तो अब हम निकल रहे हैं क्योंकि हमें बहुत कम टाइम दिया गया है, इसीलिए तवाफ करेंगे इंशाल्लाह, दुआ करेंगे और फिर सीधा रवानगी सबसे गुम्बद वाले मेरे सरकार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मदीना शरीफ के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह। मुस्तफा ने भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा तुझको खुद मुस्तफा ने, हजरे अस्वद तेरा मुकद्दर अल्लाह अस्वद तेरा मुकद्दर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। देखूं तो देख जाऊं बराबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, हैरत से खुद को कभी
پر نبی کے قدموں سجایا اپنی نشانی کہہ کے بتایا محفوظ رکھا رب نے وہ پتھر اللہ اکبر اللہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّى مقام ابراہیم کو مسلح بناؤ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس نے مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھی اللہ اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یہ مقام ابراہیم کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں تعمیر کرتے تھے تو اللہ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا اس پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے ابراہیم علیہ السلام پتھر لگاتے جاتے تھے اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے جاتے تھے دیوار جیسے اونچی ہوتی تھی پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جاتا تھا اور جب آپ کو نیچے آنا ہوتا تو پتھر نیچے آ جاتا اس سے پہلے کوئی لیف نہیں تھی دنیا میں یہ لیف کا تصور بھی صحیح اسلام نہیں کیا ہے وہ اوپر بھی ہوتا رہا نیچے بھی ہوتا رہا نہ کوئی پاور نہ کوئی جنریٹر نبی کے قدموں کے پاور سے اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا اور اس پتھر بھی بڑا عاشق تھا اس نے کہا جب نبی کی خدمت میں رہا ہوں تو ان کے قدموں کو اپنے سینے پہ سجا لوں تو اس پتھر نے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو اپنے سینے پہ نفس کر لیا جو ابھی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں مجھے فرقات میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے وہ زمزم یاد آتا ہے وہ کعبہ یاد آتا ہے مجھے فرقات میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے وہ زمزم یاد آتا ہے وہ کعبہ یاد آتا ہے اب الوداع کہنے کی باری آ رہی ہے کعبۃ اللہ سے ہم نکل رہے ہیں شہر مدینہ کے لیے میرے سرکار کے پاس بس یا اللہ ہر مسلمان کی ادھر پہ حاضری عطا فرمانا یا اللہ ہر مسلمان کی حاضری عطا فرما سبھی کے لیے دعا کیا یا اللہ ہر سبھی کی جائز مرادوں کو قبول عطا فرمانا آمین ایک بار اور جب بھی تم یہاں سے نکلے الوداع کہے تو کعبے کو پلٹ پلٹ کے دیکھیے انشاءاللہ پھر سے بلاوا ہوئی کہ اللہ سے وعدہ کرنا کہ ہمیں ہر بار تیری در کی حاضری عطا فرما السلام علیکم یہ ہماری آخری حاضری تھی یہاں پہ انشاءاللہ پھر آئے گے انشاءاللہ اپنے ماں باپ کے ساتھ والدین کے ساتھ اور اب یہاں سے قافلہ سوئے مدینہ چل رہا ہے میرے سرکار کے پاس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اب ہم یہاں سے شہر مدینہ بس ادھر کے غم بھی ہے اور وہاں پہ پہنچنے کی خوشی بھی ہے یہ ایک عجب ایک منظر ہے ماشاءاللہ ملتے ہیں مدینہ میں اللہ حافظ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے حلق کیا ہے ماشاءاللہ
उम्रा हो चुका है, तवाफ हो चुका है और ये हलक किया है मैंने लास्ट में, क्योंकि कुछ मसले थे अंदर जाने नहीं देते ये लोग, तो इसीलिए मैंने उस वजह से मैंने अपने बाल नहीं काटा था। यानी हलक किया था जो वाजिब था, जैसे थोड़े बाल काटना वो काट लिया था, बट मैं अपना पूरा सर नहीं उड़ाया था। तो मैंने सोचा था कि जब मैं लास्ट वाला करूँगा तभी अपने सर के बाल उड़ाऊँगा, तभी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है उमरा तवाफ, तो मैंने ये किया है। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, बोलो ना, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना। मेरी तरह करो, मुझे देखो।